नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर आ रही है, पिछले साल गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों से जुड़ी गलवान की घटना के करीब 8 महीने बाद चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से माना कि गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय फौज के हाथों उसके जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस घटना में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कही और 1 सैनिक के घायल होने की बात कबूली है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन यहां धोखेबाजी कर रहा है, अपने मारे गए सैनिकों की असली संख्या को छिपा रहा है, क्योंकि दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों ने गलवान की झड़प में चीन के 45 सैनिकों की मौत की बात कही थी, लेकिन चीन ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। तो 4 जवानों का नाम यहां पर चीन की तरफ से आया, एक बड़ा कबूलनामा चीन का रहा, लेकिन अभी भी सच्चाई को कबूल नहीं कर पा रहा है चीन। बड़ी खबर ये, पिछले साल गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों से जुड़ी गलवान की घटना के करीब 8 महीने बाद चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर से ये माना कि गलवान घाटी की हिंसा में भारतीय फौज के हाथों उसके जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस घटना में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कही और 1 सैनिक के घायल होने की बात कबूल की है। हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य राज कौल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, साथ ही साथ रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से मौजूद हैं। जल्दी से पहले आदित्य राज कौल का रुख कर लेते हैं। आदित्य, एक तरफ चीन जो हमेशा डिनायल मूड पर ही रहता है, अपनी चीजों को कबूल नहीं कर पाता है, आज जब वो कबूल भी कर रहा है, कबूलनामा भी सामने आ रहा है, वो भी धोखेबाजी, आप 4 केवल बता रहे हैं सैनिक आपके मारे गए। जी अर्पिता, ये तो बिल्कुल चीन का जैसा अप्रोच रहता है वैसा ही है, तो किसी के लिए सरप्राइज नहीं है। तो चाइना जो है, बीजिंग जो है, प्रेशर में आया है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा रशिया की जो टास्क न्यूज एजेंसी है TASS, उन्होंने कहा था कि 45 चाइना के जो PLA के जवान है वो मारे गए थे इंडियन आर्मी द्वारा 15 जून की जो घटना घटी थी गलवान वैली में, ईस्टर्न लद्दाख में। हमने देखा कि जब इंडिया ने भी बहुत ही रिस्पेक्ट से ऑनर किया अपने 20 जवानों को और कहा कि हाँ 20 जवान शहीद हुए हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शहीद हुए हैं, और 20 जवानों ने करारा जवाब भी दिया है, और अनऑफिशियल फिगर्स तो ये भी कह रहे थे कि 45 नहीं 60 PLA के जवान थे जो मारे गए। लेकिन PLA के तौर पर, चाइना के तौर पर, कम्युनिस्ट रिजीम के तौर पर बिल्कुल ही जो है मूक दर्शक बने रहे। वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा या बताया कि उनके कितने सोल्जर्स मारे गए या इंजर्ड हुए। अब ग्लोबल टाइम्स में और उनका जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके थ्रू उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने डिक्लेयर किए हैं 5 नाम और उसमें 4 ऑफिसर्स हैं, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि रेजिमेंटल कमांडर और जो बटालियन कमांडर है वो भी मारे गए हैं। हमारे भारत के इसमें तो एक ही सीनियर ऑफिसर थे, बाकी सारे जवान थे जो मारे गए थे, लेकिन अनऑफिशियल फिगर्स अभी भी कह रहे हैं। इनफैक्ट नेटवर्क 18 से बातचीत करते हुए जो नॉर्दर्न कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, उन्होंने भी कहा था कि उनको लग रहा है कि कैजुअलिटीज ज्यादा हैं, क्योंकि रशियन जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है टास, उन्होंने भी कहा है कि 45 जवान जो है चीन के मारे गए थे। तो क्यों जो है चीन थोड़ा सा बौखलाया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए और साइओप्स के लिए जाना जाता है, खुद एक तिलमिला सा उठा है और पता नहीं चल रहा चीन को कि कैसे वो क्या चीन में जितने PLA के सोल्जर्स मारे गए इंडियन आर्मी द्वारा वो छिपाए रखे, क्योंकि बोला जा रहा था कि जो वेटरन्स हैं चाइना में वो भी खिलाफ जो है रिबेलियन कर रहे थे और प्रेशर डाल रहे थे कम्युनिस्ट रेजिम पर कि नाम सामने लाए जाए। तो ये लग रहा है कि एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है चाइना द्वारा, क्योंकि वो दुनिया में एक आइसोलेशन की कगार पे है, चाहे वो कोविड-19 पैंडेमिक में हुआ, चाहे वो साउथ चाइना सी में हुआ, चाहे वो अभी ईस्टर्न लद्दाख में जो इंडिया ने उनको मुंह की चाइना को खानी पड़ी है जो डिसीजन फाइनली हुई है, क्योंकि इंडियन आर्मी वहां से टस से मस नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है और चाइना अभी भी बहुत सारे नंबर जो है उनकी कैजुअलिटी छुपा रहा है। बिल्कुल आदित्य, रहिए जरा साथ। देखिए, LAC पार तनाव के बीच चीन से जुड़ी 2 तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर है। एक तस्वीर चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प से जुड़ी है, जिसमें भारतीय जवान चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते दिखाई दिए, और दूसरी तस्वीर कुछ दिन पुरानी है जब चीनी सैनिक अपने टैंकों को लेकर पेंगोंग से वापस लौटे हैं। तो जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए और यह हकीकत बयां करने के लिए काफी है चीन की नीयत कैसी है।
एलएसी पर तनाव के बीच चीन से जुड़ी ये दो तस्वीरें पूरी दुनिया की इस पर नजर है। एक तस्वीर चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प से जुड़ी हुई है जिसमें भारतीय जवान चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते दिखाई दिए और दूसरी तस्वीर कुछ दिन पुरानी जब चीनी सैनिक अपने टैंकों को लेकर पेंगोंग से वापस लौटे। यानी रिफत देखिए चीन जहां एक तरफ दादागिरी दिखाता है और उसके बाद अपनी बात अपने सैनिकों की जो मरने की खबरें उसकी पुष्टि नहीं करता है और अब दबाव के चलते वो पीछे भी जा रहा है ना सिर्फ बल्कि अपनी चीजों को कबूल भी कर रहा है लेकिन संख्या सही नहीं बता रहा है। ये जो अब कंफर्मेशन की गई है चाइना की तरफ से और बताया गया है कि 4 कैजुअल्टीज उनकी हुई है उसमें एक बटालियन कमांडर भी है और एक आला ऑफिसर जो उनके हैं वो घायल भी हुए थे तो उसका मतलब है कि कैजुअल्टीज हुई थी लेकिन वो जानबूझ के वो छुपा रहे तो ऐसे इसका मतलब साफ है कि चाइना की स्टेटमेंट्स पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। चाइना झूठ बोल रहा है और चूंकि जब भारत की तरफ से कैजुअल्टीज हुई थी इंडियन आर्मी ने तो साफ बता दिया था कि 20 कैजुअल्टीज हैं और उसमें से एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रैंक के ऑफिसर भी शामिल थे तो इंडिया की तरफ से कुछ छुपाया नहीं गया और वैसे भी अगर श्रीनगर में या कश्मीर में भी कैजुअल्टीज होती हैं चाहे वो आर्मी की हों सीआरपीएफ की हों या पुलिस की हों बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस किया जाता है रीथलिंग सेरेमनी की जाती है और उसके बाद उन्हें जो है उनके शव जो है घर भेजे जाते हैं लेकिन चाइना ने इस चीज को छुपाया। हालांकि चाइना की तरफ से ग्रेवयार्ड्स की भी पिक्चर्स आई जो डिनाई कर रहा था लगातार चाइना तो साफ आज हो गया कि चाइना जो है वो सच बोलना नहीं चाहता है और बोलता भी नहीं है और ये बात तो सही है कि उनको ऑफिशियली जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए था जो भी कैजुअल्टीज थी लेकिन उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। प्रेशर में आ गए।